अस्सलाम वालेकुम, किचन कुकिंग चैनल पे आपको मेरा वेलकम है। तो मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ आलू कीमा की रेसिपी सालन वाली, और उन जिन चीज़ों की मुझे ज़रूरत पड़ेगी वो आप नोट कर लें। बीफ का कीमा लिया है, आलू, प्याज, चॉप अदरक लहसुन। सबसे पहले मैंने पैन में गरम घी कर लिया है और उसमें चॉप किए हुए प्याज, ज़्यादा ब्राउन प्याज नहीं करना है हमने, लाइट ब्राउन करने हैं, आप चाहें तो डार्क ब्राउन कर लें। चॉप किया हुआ अदरक लहसुन, अदरक लहसुन की खुशबू आने लग गई है, और अब मैं इसमें कीमा डाल देंगे और इसका पानी अच्छे से खुशक कर लेंगे। गोश्त का पानी हमें अच्छे से ड्राई कर लेना है और कीमे को अच्छे से फ्राई कर लेंगे। ये देखें, अब काफ़ी हद तक हमारा पानी खुशक हो गया है। अब मैं इसमें नमक, मिर्ची, हल्दी डाल दूँगी। थोड़ा सा दही डालेंगे क्योंकि अब मैंने चॉप किए हुए टमाटर भी लिए हैं। तमाम मसालों को अच्छे से चम्मच से मिक्स कर लें। एक गिलास मैंने पानी डाला है और 15 मिनट के लिए अच्छे से पकाएंगे हल्की आंच पर। पंद्रह मिनट बाद हमने खोला है और हमारा कीमा काफ़ी हद तक पक चुका है और घी भी ऊपर आ चुका है, भुनाई हो के लिए रेडी हो गया है। अब मैं इसकी थोड़ी भुनाई करूंगी और इसमें मैंने कट किए हुए आलू वो डाल देंगे। मैंने आलू बड़े साइज के कट किए हैं, अगर आप चाहें तो इसको छोटे में भी कट सकती हैं, क्योंकि मैंने सालन बनाना है इस वजह से मुझे बड़े पीस में आलू चाहिए थे। दो गिलास पानी मैंने इसमें डाल दिया है और आलूओं को अच्छी तरह से हम पकाएंगे। आलू हमारे गल चुके हैं, तो एक मिनट के लिए दम पे रख देंगे। इधर हमारी रोटी गरम गरम रोटियां बन रही हैं। लीजिए, हमारा सालन रेडी हो चुका है और कलर माशाल्लाह बहुत अच्छा आया है। अब मैं इसको प्लेट पे निकाल लूंगी सालन को। हरा धनिया, हरी मिर्च डालकर सर्व करें। अगर आज की रेसिपी आपको पसंद आई तो आप सब्सक्राइब कर दें और फ्रेंड्स में शेयर कर दें। अल्लाह हाफिज़।